तेलंगाना में हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति के एक मौजूदा रुकन असेंबली ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। समझा जाता है कि वो बीआरएस से मुसफी होकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। बताया जाता है कि हल्का असेंबली बोर्ड के मौजूदा बीआरएस रुकन राठौड़ बापूराव ने मंगल को रेवंत रेड्डी से खैरजुगाली मुलाकात की, तहम समझा जाता है कि वो बहुत जल्द बीआरएस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने बीआरएस ने उन्हें आने वाले से इंतखाबात में पार्टी टिकट नहीं दिया। इस दौरान जीएचएमसी में बीआरएस के फ्लोर लीडर जगदीश्वर गौड़ ने अपने हामियों के साथ सदर रियासती कांग्रेस से मुलाकात करते हुए पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बताया जाता है कि जगदीश्वर गौड़ असेंबली इंतखाबात में बीआरएस से टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जीएचएमसी में वो माधापुर बल्दी डिवीजन की नुमाइंदगी करते हैं।